smile. It's quite broad and it's telling you all that. I'm very excited and nervous because this album is very special for me. पहली बात तो ये ओरिजिनल है एंड दैट टू इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द आइकॉनिक लव स्टोरी ऑफ साहिर लुधियानवी जी एंड अमृता प्रीतम जी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. अबाउट द कास्ट, व्हाट कैन आई टेल यू? आई थिंक प्राची देसाई, हु आई एडमायर सो मच, एंड सोम चैटर्जी, बोथ हैव डन वंडर्स टू इट. आई मीन when I look at Prachi ji on screen, it just feels that it couldn't have been any better than her portraying Amrita Pritam ji's face. So I'm very excited and I think this couldn't have been any better if this was not with Prachi ji and Somji. हमारे जो अजय साहब जी हैं, जिन जो राइटर हैं हमारे, हु हैज़ रिटन ऑल द पोएट्रीज, ये वहीं से शुरुआत हुई थी. उन्होंने एक बार भेजा था और हमारे सूफी स्कोर के साथ में उन्होंने ये डिस्कस किया था दैट यू नो ही रियली वांट्स टू डू दिस काइंड ऑफ एल्बम. एंड सूफी स्कोर से अच्छा प्लेटफॉर्म ही क्या होगा इन तरह की चीज़ों के लिए. तो and they chose me, they gave me this opportunity to be the voice of this iconic ghazal album. I'm very happy and grateful to Sufi score Ajay sahab ji and then Rajesh Singh ji, jinhone in sari poetries ko itni behtareen compositions mein dhala hai. So and Parasnath ji, who has musically produced it and arranged it. So I think the credit goes to everyone, including Ajay Thakur ji, who's not here. I'm missing him so much today. Purvish Thakur, who are the karta dharta of Sufi score. So the credit goes to all the team, and last but not the least, Parashar ji, jinhone isko itna next level shoot kiya hai. He has brought the things to life, and every scene that you see is telling you a story. So I think this is going to be an epic experience for me and I hope for everybody. Thank you. Yeah, Pratibha is a bahut kamal ki singer hain. Pratibha ek bahut kamal ki singer hain aur bahut khushi mehsoos ho rahi hai ki inka album release hone ja raha hai. Wish her all the very best and Sufi score ko all the very best, Pratibha ko all the very best, Paras, अजय जी, सबको बहुत बहुत प्यार एंड शुभकामनाएं मेरी तरफ से. जी, पोस्टर्स बहुत कमाल के हैं. ओ, प्राची इज़ वंडरफुल. माय कंग्रेचुलेशन टू प्राची आल्सो. बहुत कमाल के एक्टर हैं वो. और विश द होल टीम ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत जल्दी आप फाइटर के गाने सुनेंगे तो एंड आई थिंक ये पोस्टर बहुत अच्छा, इसकी बात करते हैं. और ये लव्स भीगे हैं, ज़रूर सुनिएगा. एंड थैंक यू एवरीबॉडी. आप लोग ठीक हैं? बस मेरे लिए तो मेरा लगभग पहला बॉलीवुड, ये पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे. और मुझे अचानक पता चला, क्योंकि मैं जब लोकेशन पर पहुँचा तब पता चला कि प्राची जी हैं. और जबकि मैंने जब शुरू भी नहीं किया था, सो तब से प्राची जी को देखते आए हैं. सो इट वॉज सो एक्साइटिंग. और साहिर लुधियानवी साहब का कैरेक्टर भी प्ले करना, और जो क्रूज़ थे स्पेशली, मुझे दो दिन के नोटिस में आना पड़ा था. सडनली आई गॉट सिलेक्टेड बाय हमारे डायरेक्टर परासर जी. तो परासर जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया फाइनली. और मज़ा तो आया बहुत. या लुकिंग फॉरवर्ड. रिसर्च थी मोस्टली लुधियानवी साहब के बारे में. मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो तब पढ़ा था, और जब पता चला तो हम जैसे कैरेक्टर स्टडी करते, सो आई ट्राइड जितना भी मेरे पास टाइम था, बहुत कम टाइम था, कम नोटिस में हुआ ये काम. तो मैंने बस जो एसेंस है उनकी वो पकड़ने की कोशिश की, उनके जो थॉट्स हैं, उनके राइटिंग्स पर हैं, उनके पर्सनल बायोग्राफी जितने भी हैं थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की. जो जिस तरीके के वो एक इंसान थे, तो उनको उनके फ़ोटोज़ देख कर रीड करने की कोशिश की. एंड
जितना हो सकता है समझने की कोशिश की, बस दैट्स ऑल आई कैन से। उनके थॉट्स या फिर उनके वन लाइनर्स की बात करें तो एक अलग सी फीलिंग आती है। आपने कोई ऐसा चीज जो नोटिस किया हो जो काफी कमाल का लगा? इनोसेंस एंड डेप्थ। राइट, या एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट प्राची, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वंडरफुल। हमने बहुत कम बातें की हैं शूट के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का काम हुआ है तो हम बहुत ही वैसे भी डिस्टेंस में रहे, और उनके साथ बहुत कम बातें हुई, बट जब बातें हुई लास्ट में, सो इट वाज वेरी नाइस टू वर्किंग विथ हर, क्योंकि हम तो बचपन से देख के आ रहे हैं, और जब मैं यहाँ पहुँचा एज को एक्टर उनके साथ जब काम किया, सो मेरे लिए बहुत ही चीज़ें बहुत, मैं कहूँ रिलैक्स था, तो उनके साथ इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये जो गज़ल है लफ्ज़ भीगे हैं, ये बहुत ही स्पेशल एंड यूनिक गज़ल है, और ये पूरी एल्बम इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड इन दिस प्रोजेक्ट। एंड कई ज़माने बाद एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट म्यूज़िकली लॉन्च होता है और रिलीज़ होता है, सो आई एम सो हैप्पी that we are celebrating this unique album music launch today with everybody. I'm just looking forward and can't wait to everybody to listen and enjoy this music. सबसे खास बात ये रही है कि बहुत ही बड़े जो शायर हमारे रहे हैं अमृता प्रीतम जी, साहिर लुधियानवी जी, ये उनके उनको डेडिकेट करते हुए उनकी स्टोरी पे, उनके प्यार पे, उनकी मोहब्बत पे, और लव को लेके जो एक प्यार के साथ एक जो सैडनेस और जो डिस्टेंट लव जो इसमें दिखाया गया है, जो अजय साहब जी ने इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से जो शायरी लिखी है, राजेश जी ने जो कंपोज़ किया है, प्रतिभा जी ने इतना अच्छा गाया है, प्राची जी हैं, सोम जी हैं, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन प्राचा जी ने इतना कमाल का वीडियो बनाया है, सो दिस इज़ ऑल स्पेशल एलिमेंट्स इज कमिंग इन वन प्रोजेक्ट एंड मेकिंग दिस सो स्पेशल फॉर एवरीबडी। शी इज़ वेरी यूनिक आर्टिस्ट इन आर कंट्री, शी इज़ वेरी स्पेशल, हु कैन वेरी वर्सेटाइल, जो कि बहुत ही बाखूबी से गज़ल को बहुत अच्छे से समझती हैं, उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है गाने का, और उनकी जो नॉलेज है क्लासिकल की, विच रियली मेक्स हर साउंडिंग सो स्पेशल एंड सो मैच्योर, और इस किस्म के गज़ल गायकी में बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो वो उनमें बहुत बाखूबी है, सो दैट्स वाई शी इज़ डूइंग wonderful, wonderful job. And in fact, I can see your poster right there. Tell us something about your poster. It is looking very good. My poster is as I'm just feeling very blessed and very happy that I'm being a part of this very special and unique project. I'm very, very feeling so happy. Thank you so much. Tell us something about the song. Actually, this is Love Speege. ये साहिर लुधियानवी साहब जो हुआ करते थे और अमृता प्रीतम साहिबा, उनकी एक डिवाइन सी स्टोरी है, उसके ऊपर आधारित है। तो बचपन से मैं साहिर की जो पहला उनका पोइट्री कलेक्शन है मजमुआ तलखियाँ, तलखियाँ मीन्स बिटरनेस, कड़वाहट, तो उसको पढ़ता था, और मेरे को हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं साहिर की जो कहानी है और अमृता की जो अनरिपीटेड लव की कहानी है बड़े रूहानी से, उसको अपने शब्दों में कुछ उसके बारे में बताऊँ। तो फाइनली ये मौका मिला सूफी स्कोर की तरफ से और प्रतिभा इन सब, तो उसी कहानी को हमने एक एक करके सीक्वेंस में लिया है। सो बहुत सारे छोटे छोटे एनीडोट्स हैं उसमें, कि जो हम पढ़ते हैं जो अमृता जी की ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट, उसमें जो इंस्टेंसेस वो नरेट करती हैं उन्हीं को हमने लिया है। जैसे एक बहुत ही प्यारा इंस्टेंस ये है कि साहिर जब उनके घर जाते थे तो घंटों बैठते थे लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते, और सिर्फ वो सिगरेट पीते रहते थे, और जब वो चले जाते थे तो सिगरेट के जो अध जले टुकड़े होते हैं उनको उठा के अमृता जी पीने की कोशिश करते हैं ताकि साहिर को महसूस कर सकें। तो उसको इसमें हमने एक गज़ल में, इसके एक शेर में हमने, कि कुछ ना कह के भी कह दिया सब कुछ, कितनी बातें हैं बेजबानी, वो कोशिश की है इसमें। और चूंकि अमृता जी की पूरी कहानी इतनी छोटी थी, जैसे खुशवंत सिंह साहब ने एक बार मजाक में उनसे कह दिया था कि आपकी कहानी तो इतनी छोटी है
कि एक रसीदी टिकट पे आ जाएगी, साहिर से शुरू होती है और साहिर पे ख़त्म होती है। तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम ही रखा, तो उसको भी हमने इसमें कोशिश की है कि सिर्फ तू है तेरी ही बातें हैं और क्या है मेरी कहानी। और लफ्ज़ भी गए हैं टाइटल इसलिए है कि इनकी कहानी में एक अनकहा सब दर्द है, तो उसको लिखते वक्त मेरे शब्द भी आंसुओं से भीग गए। तो ये है, लफ्ज़ भीगे हैं मेरे पानी में, कितने आंसू थे इस कहानी। और इसके बारे में जो राग और ये सब राजेश बताएंगे। सर आप क्या कहना है, बहुत ही संजीदा अल्फाज हैं अजय साहब के, और मैंने उसी संजीदगी से कोशिश की है कि उसका जो खाका है, नक्शा है, बनाया जाए। बाकी रंग तो पारस ने और प्रतिभा ने और बाकी टेक्नीशियंस सिनेमेटोग्राफर ने मिलके भरे हैं, लेकिन जो दो तीन चीज़ों का मैंने ख़ास ध्यान रखा कंपोज करते समय, एक तो कि जो मूड है वो बहुत ही कहें कि रोमांटिक, मेलेंकोलिक, थोड़ा सा सैड मूड है, तो उस तरह से कौन से किस स्केल में, किस नोट के कॉम्बिनेशन में वो सूटेबल रहेगा, उसको ज़्यादा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर ढंग से, उस चीज़ का ध्यान रखा है। उसके अलावा मेलेंकोली एक्सप्रेस तो हो, लेकिन उसमें कोई अगर अल्फाज पे हम गौर करते हैं तो देखते हैं कहीं कोई बिटरनेस नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, एक ख़ास तरह की सटल एक्सेप्टेंस है। रिलेशनशिप नहीं हो पाई, साथ में नहीं रह पाए, वो एक पेरिफेरी पे है, उसकी एक एक्सेप्टेंस है ख़ास तरह की, और एक उस जो वो पेन है उसमें ख़ास तरह की ब्यूटी है, एक डिविनिटी है। तो उस कॉर्ड को मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से मैं छू पाऊँ, तो राग उसी तरह से सेलेक्ट किए हैं, नोट्स कॉम्बिनेशंस उसी तरह से सेलेक्ट हुए हैं। रात का मूड ज़्यादा, रात में ज़्यादा इंटेंसिटी से आती है जो उदासी है, तो रात के स्केल्स उसमें ज़्यादा राग सेलेक्ट हुए हैं। दूसरी जो ख़ास बात मैंने ध्यान रखी है उसमें कि जो फ्रेजेस हैं, जो मिसरे हैं, उनको मैंने ओपन एंडेड रखा है, कहीं पे उनको आखिर में मुर्कियाँ लाके मैंने उनको क्लोज नहीं किया, जिससे वो वाइब्रेशन जो है ना, एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मिल पाए, तो जिससे उसको विस्तार मिले। तो ये दो बातें हैं जिनका मैंने ख़ास तौर पे, और टेक्निकलिटीज़ में कहीं अल्फाज जो है ना उलझ के ना रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। बाकी तो प्रतिभा और पारस बताएंगे, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम रोल है। पारस not special, this is Yumi album of music industry we are releasing today, and maine sirf arrangement pe aur music production mein sirf itna hi dhyan rakha hai ki ghazal ki jo jaise Aziz saab ne gaya, Rajesh ji ne gaya, Pratibha ne itni bakhubi gaya hai, so mera sirf itna hi dhyan tha ghazal jo hai arrangement mein ghazal rahe, और उसका जो मूड है, उसकी जो सोच है, जो इतनी गहराई और इतनी सेंसिटिव बात है, उसका मूड मेंटेन रहे अरेंजमेंट के साथ, क्योंकि अरेंजमेंट म्यूज़िक प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है जो गज़ल को गीत बना सकती है और उसको कुछ और रूप भी दे सकती है। सो उस गज़ल को गज़ल के फ्रेम में रखना अरेंजमेंट के साथ, उस बात का ख्याल रखा गया है, और उसी के साथ कुछ कुछ वेस्टर्न एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं और कुछ सोलो डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश की है। सो आई एम सो हैप्पी दैट वी आर रिलीजिंग दिस यूनिक एल्बम। अच्छा जी, आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था दैट यू आर क्वाइट इंप्रेस्ड विद साहिर्स वर्क, साहिर्स पोएट्री, सो एक्चुअली दिस वाज योर ओन, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर सो इंप्रेस्ड विद साहिर और किस तरह आपने सोचा? देखिए, साहिर से इम्प्रेस होना तो बहुत ही कुदरती था मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसे पोएट हैं जो इतने वर्सेटाइल हैं। आप देखिए, जब वो फिल्म दुनिया में आए उससे पहले भी उर्दू पोएट्री में उनका एक अलग मकाम था। ही वॉज द यंगेस्ट एडिटर ऑफ सवेरा शाहरा एंड जो उर्दू की जो सबसे फेमस मैगजीन हुआ करती थी, और इनकी जो तलखियाँ हैं, इनकी जब उम्र 24 साल थी तब आई थी, इतनी गंभीर पोएट्री है। साहिर न केवल
इश्क की बातें करते हैं बल्कि दुनिया के जो सारे दर्दों को साहिर कहते हैं। जैसे साहिर का, देखिए साहिर का क्या कहना है, दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा है। तो दुनिया के जो दर्द और गम है, जो इंसान की जो उदासी है, इंसान की दुख है, सबको वो कवर है। तो ऐसा पोइट, और हिंदी फिल्मों के जो उनके नगमे हैं वो नगमे नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास पोइट्री। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि सरल करके वो पेश करते हैं। तो इतनी खूबसूरत पोइट्री वो गाने बना कर हमारे तक, कोने कोने तक देश के पहुँचा देते हैं। तो इसलिए साहिर से मैं बहुत ज़्यादा, उसी तरह आपने इसमें मैंने किया, तो मैं शब्द वर्ड जी हाँ मैंने कोशिश ये की है कि साहिर की जो कहानी है, देखिए साहिर की नज़में तो सबने सुन ली, लेकिन मैं चाहता था कि उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो इन गज़लों के माध्यम से लोगों तक आ जाए। तो मेरा जो सबसे महबूब शायर है उसके बारे में लोग थोड़ा और जाने, यही मेरी ख्वाहिश। आगे फिल्मों में भी आप लिखेंगे? फिल्मों में लिखता हूँ कभी कभी। थैंक यू। हाँ मैं सुन तो लूँ पहले। ओके, आई लीव यू हियर विद पवन जी। आप मेहमान मेहमान नवाजी कीजिए। आप लोग मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ जी, हाँ इनफैक्ट मैं खुद ही काफ़ी ताज्जुब हूँ जिस तरह से प्रतिभा मेहनत करती है। मतलब अभी हम कहीं बाहर थे एक देश में, वहाँ भी उन्होंने बीच में टाइम निकाल के शूट किया, और जिस तरह से लगन है इनका, जिस तरह से मेहनत है, आई थिंक कि मानना पड़ेगा ना, लाइक कि शी डिज़र्व्स, अपार्ट फ्रॉम वो जितनी अच्छी तरह से गाती है और जैसे उन्होंने गज़ल को अपना लिया है, उनका जर्नी देखा है मैंने। मतलब मेरे साथ ही एक साथ बॉम्बे में जहाँ पहले मैं रहता था, मेरे पड़ोस में रहती थी, तो उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत है लगी रहती है इसके लिए, रियली मैं ताजुब हूँ कि ये कब हो गया एल्बम मुझे पता ही नहीं लगा। एंड पारस वन ऑफ द फाइनेस्ट, और अजय साहब आप लोगों को पता लगता जाएगा कैसे लिखते हैं, और राजनी भी म्यूज़िक अच्छा किया, मैंने एक ही गाना सुना अभी, तो नाम तो सारे आपको पहचान में है ही, मैं क्या कहूँ। जस्ट विशिंग एवरीवन द बेस्ट, एंड ये गज़ल का एक अलग तरह का दौर शुरू हो रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे टाइम में ये सब होने लगा है फिर से। अजय साहब वैसे ही पहले से, मैं अभी बीच में शो करने गया था रायपुर, तो उनके बारे में लोग इतना अच्छी तरह से बोलते हैं, उनके लिए मैंने उनके काम के बारे में, उनके बारे में, तो अब दुनिया को धीरे धीरे और पता लगेगा अजय साहब क्या करते हैं। वो लिखते ही अलग ही तरह से हैं, बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। हाँ तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी प्राची, इतने दिनों बाद मैंने, मतलब ऐसे अचानक से आया गज़ल का एल्बम से प्राची, आई सॉ द सूफी स्कोर के चैनल पे मैंने उनका प्रोमो देखा, एंड आई वाज वाव, आई मीन जिस मुझे पता नहीं किसने सोचा, शी इज सच अ राइट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन, और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरी दोस्ती हैं बहुत अच्छी, हमने एक साथ बहुत पहले से काम करते आए हैं, पराशर जो है बहुत अच्छा, बहुत सेंसिटिव, सब अच्छे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नेक्स्ट गज़ल का ही कॉन्सर्ट है बॉम्बे में 15 तारीख को सितंबर, शनमुख नंदा में, आइएगा अगर कोई है शहर में। थैंक यू। थैंक यू। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, वैसे रिसेंटली हमारा एक साथ में गाना आया है, गोल्ड फिश एक फिल्म आई है जिसमें इन्होंने पूरा म्यूजिक किया है, एंड आई हैव सन वन सॉन्ग इन इट, सो वी आर मीटिंग इन लाइक। बधाई इनको, इनको और इस एल्बम से जुड़े हुए सब लोगों को। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल एल्बम। मैं इनके पोस्ट्स और ये सब देख के मैं, यू नो, आई हैव बीन वेटिंग टू हियर दिस एल्बम, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पारस, अ ह्यूज एडमायरर ऑफ प्रतिभा एंड अजय साहब एंड राजेश सिंह, एंड
सूफी स्कोर तो है ही, जिन्होंने मेरी प्रीवियस फिल्म का म्यूजिक भी रिलीज़ किया है, तो यहाँ आना तो बनता है. एंड आई नो दैट सूफी स्कोर ऑलवेज कम्स अप विद क्वालिटी वर्क एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सम क्वालिटी. सॉरी, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कंपोजर हूँ. अगर मैंने गाना गाया तो यहाँ के सारे सिंगर भाग जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं. मैं थोड़ी देर में गाऊंगी, वहाँ पर भी गाने वाले. आई विल डेफिनेटली सिंग. थैंक यू. एक ही चीज़ है कि दीपक जी हमारे साथ में इतने साथ में हमारे काम हुए हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉबली एल्बम और वर्क दैट इज़ नॉट विथ हिम. एंड आज वो मुझे सपोर्ट करने के लिए, चीयर अप करने के लिए आए हैं. थैंक यू दीपक जी यहाँ आने के लिए. ऑलवेज ऑलवेज प्लीज़ आइए. एंड ये हमारे मोमिन जी हैं, इन्होंने सारंगी बजाई है हमारे इतने प्यारे लक्ष्मी के एल्बम में. सो आई जस्ट वांट के थैंक्स टू हिम. हम बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एल्बम के पार्ट हैं. दे ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे ऑल टुगेदर. सो वी आर सो हैप्पी एंड क्या बात है, ब्लेस्ड दैट वी आर एंजॉयिंग एंड एक्सपीरियंसिंग दिस स्पेशल. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. तो मैं यही कह रही थी अभी कि इतना सारा काम हम लोगों ने साथ में किया है, और सूफी स्कोर के साथ में तो हमारा राइट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम वी स्टार्टेड. एंड टुडे दीपक जी इज हियर लॉन्ग जर्नी टू सपोर्ट अस. थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. यस यस, अरे मोस्ट वेलकम, प्लेजर इज ऑल माइन. मैं पहले तो उसको साइलेंट मोड पे करता हूं. यस, थैंक यू. लव्स भीगे हैं, टाइटल ही अपने आप में मुकम्मल है, कंप्लीट है. और इस एल्बम में इसलिए नहीं कि मैं माइक पर हूँ या मुझे कुछ कहना है, कहने के लिए नहीं कह रहा मैं, बट वो कहते ना कि चावल का एक दाना देखा जाता है. छोटा सा क्लिपिंग्स, थोड़ी सी मैंने छोटा प्रमोस देखा, उसी से पता चल जाता है कि सबसे पहले तो इस एल्बम में जो जुड़े हुए हैं लोग, अजय जी, अजय पांडे जी से शुरू करता हूँ मैं, जिनकी जो महारत है वो शब्दों को इस तरह पिरोते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले शब्द आए थे कि पहले कंपोज किया था. और उस पे सोने पे सुहागा मेरा भाई पारस, जो खुद एक बहुत अच्छा सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, हिंदुस्तान की नाक है ये, मैं इसको हमेशा कहता हूँ. इनके जैसा बांसुरी बहुत ही इस जनरेशन में तो खैर कोई भी नहीं है. और जिस ढंग से प्रोजेक्ट को अरेंज किया है, कंपोज किया है, म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, और राजेश जी ने कंपोज किया है, बहुत ही खूबसूरत किया है. और हम सब की चहेती आवाज़, जो जिसकी आवाज़ सुनते के साथ ही एक दिल शांत हो जाता है, और एक बोलते हैं ना कि ज़मीन और आसमान सब रुक जाते हैं. देखिए, गज़ल एक ऐसी परंपरा है कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि शायद ये सेमी क्लासिकल या गज़ल या ठुमरी कहीं ना कहीं बिछड़ जाएगी, बट भगवान हर युग में किसी ना किसी को भेजता है. इस युग में प्रतिभा सिंह बघेल को भेजा है. और हम सब को बड़ा गर्व है प्रतिभा पे, कि प्रतिभा को कोई भी गाना दे दो, कोई भी कॉम्पोजिशन दे दो, वो उसको उस कदर अपना लेती है कि लगता है कि वो उसी का है सब कुछ गाना, और उसी का कॉम्पोजिशन है, उसी की अदायगी जो जिस ढंग से उसको बयां करती है. तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सूफी स्कोर के लिए कि वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छे म्यूज़िक के लिए खड़े रहते हैं. अजय ठाकर जी एंड दी एंटायर टीम ऑफ सूफी स्कोर, और हमारी प्रतिभा सिंह बघेल, और हमारा पारस नाथ जी, अजय जी, और राहुल जी, सॉरी राजेश जी, राजेश जी, थैंक यू सो मच प्रतिभा, बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you. And the poster also, you are looking very beautiful. Tell us something about this wonderful song. Thank
thank you. That's really sweet of you. Today is a very, very special day for all of us. As you can see, this beautiful poster, it is for our latest song, Loves Bhige. And I just think when I first heard the song, I absolutely knew that I have to be a part of it. Bahut hi khoobsurat gana hai. And it's like poetry, jis tarah se likha hua hai. Aur I think awaaz aap sunenge to just like me, you'll want to listen to it again and again and again. And hamare jo director saab hai, Parashar, उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे गाने को शूट किया है. उनके दिमाग में जो स्टोरी था उसे जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया है पांडिचेरी में, इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस. एंड मेरे लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर आई थिंक एज एन एक्टर फॉर माय करियर. या well, I guess I have to do the big reveal now. Yeah. yes, it is. You know, it is a love song. It's. I think it is more so a song about separation. There's everything in this one beautiful song. There's love. There is separation. There's unrequited love. There's a lot of silence. There's a lot of exchange through silences. Yes, that's what our song is about. What about the look? As we can see in the poster, you are looking very good. As I told you earlier. Thank you so much. ये जो गाना है, जो वीडियो है, एक्चुअली ये अमृता और साहिर जी की स्टोरी पर बेस्ड है. उनसे हमने इंस्पिरेशन ली है. एंड आई थिंक वॉट यू विल सी इन द वीडियो इज यू नो उनकी लाइफ की आई थिंक जो खूबसूरत मोमेंट्स है जिसके बारे में यू नो हमने कभी पढ़ा था और कभी देखा नहीं, तो वो मोमेंट्स है इस गाने में. एंड जो पोस्टर में आप देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा एक्चुअली जो सॉन्ग में आप देखेंगे उसमें जो लुक्स है वो बहुत अमृता जी से इंस्पायर्ड है. हम वी कैनॉट डू जस्टिस टू देम, एब्सोल्युटली नेवर, बट हमने कोशिश की है. साथ ही सोमनाथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वाओ भाई, एक बार जोरदार तालियां प्लीज. जो बिना कुछ कहे भी हर फ्रेम में हमें इतना इमोशनल कर देते हैं, या क्या इंटेंसिटी थी. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साहिर साहब की ऐसी कौन सा इमोशन था जिसे आप जब इमोट कर रहे थे तो सबसे चैलेंजिंग लगा. उनका शायद कोई स्टाइल, जो आप कहना चाहे वो. सभी को नमस्ते. मुझे, मैं शायद वो इंसान हूँ जो बहुत लेट इस प्रोजेक्ट में जुड़ा. आई वॉज इन IIT रोड के ला लेक्चर पे था, तो मेरे किसी NST सीनियर ने रिकमेंड किया सर को 2 दिन पहले. एंड उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजने के लिए कहा, किसी स्टूडेंट से फ़ोटो खींच के वो भेजे उन्होंने. और फिर 2 दिन बाद मैं पांडिचेरी में था, रात को 10 बजे पहुंचा. देन मुझे पता चला 6 बजे शूट है, कि साहिर लुधियानवी का किरदार करना है और प्राची जी है उसमें, तो ये पता चला. फिर रात को 2-3 घंटे मिले, मैंने रीड किया उनके बारे में थोड़ा बहुत. NSD के टाइम पे मुझे मैंने पढ़ा था जितना भी. क्या होता ना, वो बहुत बड़े पैशनेट थे इंसान, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ. वो आर्ट फील्ड से, जैसे मैं एक्टर हूँ तो वही राइटर है, तो आर्ट के फील्ड से हम जुड़े हुए हैं. तो मैंने उनकी फोटोज़ देखी तो उनकी आंखों में एक इनोसेंस है बहुत, और बहुत सॉफ्ट है. कहीं ना कहीं अपनी बातें बोल नहीं पाते मुझे, मैं बहुत कनेक्ट कर पाया उनसे बहुत. क्या बोलूँ, we'll be right back.
the head of Sufi's core. We miss you terribly today. Purvesh Thakur and Ajay Thakur ji, wish you were here. Absolutely. It would have been so wonderful to have you here. Sitting across the country in UK and managing everything, it's outstanding, out of this world. One last word. Thanks to Mr. Ram Prasad ji there at the projection. In the last two nights, at 3 o'clock in the morning, he's been up with me. You know, we've been testing this this thing. And thanks, kudos to PVR for helping us do this. Thank you so much. It's a great evening. Thank you very much for actually making it happen. Thank you very much. Sir, in last also, I would like to thank Sanjay ji for being a part of this album. By making this part musically so soulful and beautiful. Big round of applause. A round of applause for Sanjay ji, please. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you. आखिरी में मैं सिर्फ साहिर के ही शेर से ये सारी बात ख़त्म करना चाहूँगा. कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में. साहिर का ही एक शेर है जो सारी चीज़ को सम अप करता है कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है. जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है. जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता. इतनी मेहनत लगी है उसके लिए, उस मेहनत के लिए एक बार तालियां. And thank you so much to everyone for coming and giving blessings. Thank you so much. Thank you everybody. I love you my friends, everybody. Prithvi, Jazim, Meenal, Kalpana, Launch. Thank you for taking out time and being here to support and to cheer us always. Thank you and love you. जो हम बस आखिर में जो सारे लोग आए और ये हमारा उद्देश्य क्या था इसके लिए कि सुर मेरा सांस तक पहुंच जाए, लफ्ज आवाज तक पहुंच जाए, एक नगमा जो बस उसी का है मेरे हमराज तक पहुंच जाए, मेरे हमराज तक. Any supplementary questions? Okay. I am connected with Gurudat's family. Wow. I want to compliment you. My visuals dekh raha tha. I was taken back into Kagaz ke Phool, Pyasa. I was very close to VK Murthy sahab. And I have done his interviews. Devidat, who is still the living member, I am very close to him. I'll show you my photographs. Who made Masoom. So I want to compliment you ki aapne waqai Gurudat ka ira, VK Murthy sahab ka ira laya. And I thank you for arranging this projection on the big screen. Jo isme wo mehsoos nahi hota, ehsaas nahi hota. Thank you so much. Yeah, I was, he had, you know, shared with me, and when I went to Paris, you know, the students got an interpreter and discussed with me about Murthy Saab's camera work, because wahan par it is there in their syllabus. So I want you to share something about Gurudat's camera, cinematography, what it means to you, like you have given a beautiful tribute to Murthy Saab and Gurudat. Exactly this thing, Paras, if you remember, few days back I told him, you are reminding me of Murthy Saab and Gurudat. This is exactly Pyasa and all those things. Haan, because Sahir Saab has written. Yes, and Murthy ji ka camera maine inko bola hi tha. If I may just... Mike. यहाँ पे एक मैंने देखा है, जब भी जो भी संगीत में है तो उनकी गुरु के बारे में जब हो रहा है तो ऐसे कान पकड़ते हैं शायद. VK Murthy के साहब के बारे में होगा तो हम भी ऐसे ही, हम जब फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं तो हम पहला शायद सिनेमाटोग्राफी में, अगर इंडियन सिनेमाटोग्राफी की बात होती है तो सुब्रत मित्र साहब है और उसके बाद VK Murthy साहब जो उनके जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमाटोग्राफी है हमने शायद वो उसी से शुरू की है. तो कहीं ना कहीं वो है हमारे इसमें. और एक अपॉर्चुनिटी जब मिलती है कुछ ना कुछ कहीं वहाँ छूने की कोशिश ही होगी. हम तो उनके तरफ तो जा ही नहीं सकते लेकिन वो कोशिश हमेशा जारी रहती है. कहीं का एक आपका आइडियल रहता है. तो VK Murthy साहब और उनके वर्क, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने यूज़ किया था बेल्जियन ग्लासेस, जो शाफ्ट ऑफ लाइट था वो जो हमारे स्टूडियो में किया गया था FTIM में,
तो वो हम कहीं ना कहीं वो लिव किया था, हमने वो एक्सपीरियंस किया, वो बेल्जियन क्लासेस अभी भी है एफटीआई में कहीं ना कहीं। तो वी के मूर्ति साहब ने वो to even breathe in that space was a privilege for us. So I think kind of that film student in me today is very happy that if this compliment I think is even beyond, you know, what I would have dreamt of. So yes, that I think that I go back to my first year in FTI where I saw BK Murthy Saab's work, Gurudat Saab's work, and the fact that Pyasa ki jo gaane hain, agar aapne inko dekha hoga, ek aise aake ye kya jo Pyasa ki jo ye duniya agar mil bhi jaye, to main jab bachpan mein tha to wo jo Christ like jo imagery hai, wo jo Jesus Christ ki imagery hai जो हमने पढ़ी भी है, वो रिक्रिएट करने की कहीं ना कहीं हमेशा आस होती है कि ये अगर काश कहीं मिल जाए तो हम अलग अलग तरीके के करते। अभी इस पे सबसे क्लोजेस्ट गुरुदत्त साहब से या फिर साहिब साहब के थ्रू अगर पहुंच सका मैं तो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कमिंग। वो शेयर करूंगा मोती साहब टोल्ड मी, वो जो साहिब साहब की लाइन है जो कलियां मांगी तो कांटो का हार, हमने तो जब कलियां मांगी क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड, यस यस चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा वो कार में आ गए तो वहाँ कोई, मेरा ऐसा दिल था कि स्टूडियो में कहीं खड़े हैं साहिर और कोई प्रोड्यूसर उससे बात कर रहा है, वो एंगल भी अगर आप थोड़ा दिखाते। देखिए ये गजलें हैं और गजलें म्यूजिक वीडियो की शक्ल में आई हैं, तो जो लिमिटेड मेटाफर्स हमारे पास थे, हमको संकेतों में बात कहनी होती है, बहुत ही एक्सप्लिसिटली हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाते हैं, जब बात कभी नहीं करे हुए समय समय साहिर बहुत कम बातें करते थे, लेकिन अमृता जी से कभी तो बात करें, बात करते हैं लेकिन उन बातों को किसी जगह में डॉक्यूमेंटेड तो नहीं किया गया है। अच्छा, तो अमृता जी ने इतना ही लिखा है कि साहिर जब आते थे तो घंटों वो बैठा करते थे, सिगरेट पीते थे और चले जाते थे और कुछ भी नहीं कहते, कभी कभी कुछ कहते थे, जैसे एक बार साहिर ने कहा एक राजकुमारी की कहानी सुनाई, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते थे, वेरी पुअर टेस्ट अपने साहिर को, एक कॉम्प्लेक्स था कि ही इज़ नॉट गुड लुकिंग, हमेशा सोचते तो वो सब चीज़ें हम कहते हैं, इसमें तो आपने गुड लुकिंग लड़के को लिया, इज़ वेरी हैंडसम और बहुत अच्छा नहीं, बट साहिर है कॉम्प्लेक्स, आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग, हिज वर्ड्स आर सो ब्यूटीफुल, ही इज़ लाइक डेमीगॉड टू मी, तो वो तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ही हैड काइंड ऑफ दिस What I call the Edward Scissorhands complex. किसी को भी छू देंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा. That is why, in spite of loving Amrita immensely, he could not finalize that. He could not accept it. लोगों को लगता था इसको नुकसान ना हो जाए. तब उन्होंने जिंदगी की पहली नज़्म मरघट की जमीन में वही लिखी थी. कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई जो देखती मुझे वो निगाहें. सर आपसे अलग से मिलना पड़ेगा, शायर के आप तो खजाने हो लगते हैं. अच्छा प्रतिभा जी, योर वॉइस इज ऑल्सो वेरी हस्की एंड वेरी नाइस एंड यू लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो, आप भी हीरोइन बन सकते हैं नेक्स्ट. नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हीरोइन यहाँ पर है और इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं वो, आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट व्हाट आई थिंक दैट आई कैन डू बेटर. नहीं, यू हैव डन वेरी, तो मैं नहीं, मैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गाने में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगता है, तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड थोड़ा ऐसे प्राची जी के दोस्त जैसा रोल अगर मैं कभी करने को मिले तो आई डोंट माइंड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बट आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ सिंगर फर्स्ट ऑलवेज. श्योर श्योर प्राची जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, वेरी नाइस साइलेंटली यू हैव एक्सप्रेस दोस फीलिंग्स एंड हाउ यू, मतलब थोड़ा सा बताइए हाउ यू वेंट व्हेन यू ऑल नैरेटेड दिस, अमृता जी का आपको ये करना है, हाउ यू डिड, हाउ यू वर्क फॉर इट. एक्चुअली सच बताऊं तो आई थिंक कि एक जनरेशन है जो ज़्यादा फेमिलियर है विद अमृता प्रीतम एंड साहिर लुधियानवी जी, मुझ जैसे है कई यू नो इस जनरेशन के जिन्होंने शायद वो पोइट्रीज पढ़ी नहीं है, उन्हें शायद उस लव स्टोरी के बारे में उतना पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये कुछ बहुत ही आइकॉनिक था. मुझे पराशर ने डिटेल्स में जितना उन्हें पता है, उन्होंने जितनी रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें बताई, अजय जी ने बताया. आई थिंक मैंने जब सुना तो मैं आपकी तरह आई वॉज ट्रांसफिक्स्ड, मैं बस सुनते गई, बिकॉज ऑल्सो ये जिस तरह से अभी इतनी खूबसूरती से शायरी बता रहे थे,
I didn't want that to end and I just kept listening to that. But कुछ real life जो incidents है वो सुनने के बाद I think मैंने उस पर एक अपना grip रखा क्योंकि live representation कुछ भी नहीं था, हमारे पास visuals भी नहीं थे, बस barely कुछ photos हैं, तो इतना detail में हम नहीं जा पाए. बट जो भी पता चला उससे आई थिंक बस ग्रिप रखी कुछ चीज़ों में, जैसे वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, यू नो वो जो फील करती थी शायद वो कहना चाहती है बट उससे पहले ये निकल जाते थे, इस तरह की चीज़ें बस यही दिमाग में रखकर यू नो ये इमेजिन किया कि उस दौर में कैसा होता होगा, क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं और इनका जो इतना खूबसूरत शूटिंग स्टाइल है. आई थिंक सेट पर हम जाते थे तो हमें लगता था कि हम कुछ पीरियड टाइम में वी हैव गॉन बैक इनटू दैट एरा. सोम जी, यू आल्सो समथिंग, यू लुकिंग वेरी नाइस, आप जो साइलेंटली एक्टिंग किए बहुत अच्छा किए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सुंदर वाली बात मुझे लगा, जैसे लुधियानवी साहब के अगर किसी भी इंसान में ना सुंदरता ढूंढने, क्योंकि सब अपने आप में सुंदर ही है, आईने के सामने हम सभी अपने बाल सेट करते हैं, बाकी धूप में घूमते तो काले पड़ जाएंगे, तो किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी आंखों में होती है. तो साहिब साहब की अगर आंखों में देखेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाई देता है, कहीं बहुत डीप है वो, इसलिए वो इतने कुछ लिख पाए, वो सारी चीज़ें, वही डीपनेस और वही कहीं इंटेंसिटी उनके अंदर जो है, इनोसेंस है, वो कनेक्ट करता है. सो वही चीज़ें मुझे भी कनेक्ट कर गया और आई थिंक मतलब वो बहुत खूबसूरत एक इंसान रहे और उनकी जो राइटिंग है वो ना, मुझे हमेशा ये फील हुआ धीरे धीरे जिंदगी में चलते हुए कि वो दिल से बड़ा अच्छा होना चाहिए. जैसे ये दिल से सारे लोगों ने, सब ने ये प्रोजेक्ट काम किया तभी ये कुछ निकल गया, तो वो दिल की बात होती है. बाकी और क्या, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कहा हैंडसम, इसलिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. वक्त की पाबंदी है.